हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावों का नतीजा 8 दिसंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले भाजपा के द्वारा धर्मशाला में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस समीक्षा बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया। विधानसभा के चुनाव के पश्चात पहली बार सब पार्टी के साथियों के साथ बैठना हो पा रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी पार्टी के नेताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बेहतर ढंग से इस चुनाव में काम किया है और आज हम काउंटिंग से 4 दिन पहले यहां पर एकत्रित होकर के थोड़ा चर्चा करेंगे आगामी योजना और उसके साथ साथ में हमारी काउंटिंग से रिलेटेड कुछ बातों का ध्यान रखने की जो चीज़ें हैं उनको बारे में बातचीत करेंगे। और हिमाचल की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस बार बहुत अच्छा उन्होंने इस चुनाव में, चाहे वो कैंपेन का दौर रहा चाहे वो पोलिंग का दौर रहा, बहुत एक्टिव होकर के उन्होंने पार्टिसिपेट किया और रिकॉर्ड वोटिंग इस बार हुई है। 76% से ज़्यादा जो है वो परसेंटेज पोलिंग की हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से सारा कैंपेन हमारा हुआ है। ये सारी बात सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक बात आती है अब आगे की बात आती है, अब 4 दिन बचे हैं, हमको इंतज़ार करना चाहिए चुनाव के परिणाम का, लेकिन अभी तक के तमाम सर्वेक्षण, सर्वे, जो एनालिसिस सारा आ रहा है उसमें यही आ रहा है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में फिर सरकार बनाने जा रही है। बैठक में इस बात का आकलन किया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा का संभावित प्रदर्शन किस तरह का रहा है। प्रत्याशियों से भी चुनाव के दौरान उनके अनुभवों की जानकारी ली जाएगी, जो कि राज्य स्तर पर मिलने वाले फीडबैक का काम करेगा। समीक्षा बैठक रखी है संगठन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के अंदर हाल ही में जो चुनाव हुआ विधानसभा क्षेत्रों में उसके बारे में समीक्षा बैठक है कि कहाँ, आपको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जो भीतरघात किया गया उसके बारे में समीक्षा और अपनी जीत के प्रति कितने बहुत ज़्यादा परिपक्व हैं उसके बारे में पूछताछ के लिए ये सारी बैठक बुलाई गई। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनने जा रही है तो उसके बारे में कौन कौन प्रत्याशी कितना मजबूती के साथ मतलब जीत की ओर अग्रसर है उसके बारे में सारी ये जानकारी लेने के लिए संगठन ने आज बैठक बुलाई है। निश्चित रूप से हमने चुनावों में जो काम किया है, कार्यकर्ताओं ने जो भूमिका अदा की है उसकी ओर बहुत नज़दीक 8 तारीख रिजल्ट्स जो हैं सामने होंगे और उसका चिंतन, उसकी बातचीत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। 4 दिन बचे हैं रिजल्ट आने में, चुनावों के रिजल्ट से पहले चिंतन किस चीज़ का? ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पार्टी के लेवल पे तय करनी होती हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें हमारे सीनियर लीडर्स ने जो सोची हैं उसके बारे में बातचीत आज रहेगी। समीक्षा बैठक के द्वारा भाजपा ये जानने समझने की कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनावों में उसका प्रदर्शन किस तरह का रहा है, ताकि उसके आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जा सके।